फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का क्राफ्टी ब्लॉग विद किरण में। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए खूबसूरत DIY के साथ, जो मैंने बनाया है इन शादी के रंग बिरंगे कार्डों से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शादी का सीजन शुरू होता नहीं है कि हम सभी लोगों के घरों में इस तरह के रंग बिरंगे कार्ड आ ही जाते हैं, और इनकी ब्राइट कलर इतने अच्छे लगते हैं कि इनको फेंकने का जी नहीं करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनका कुछ DIY बनाया जाए। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये पीला कार्ड, और इसे इस तरीके से मोड़ के हमें पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेनी है। इनकी लंबाई करीब 3 इंच है और चौड़ाई मैंने इसकी 1/2 इंच रखी है। तो इसी तरीके से हमें सारी पट्टियाँ काट के रख लेनी है, और उसके बाद में हमें एक पतला ब्रश या लकड़ी का टुकड़ा कोई भी ले सकते हैं, आप पेन की रिफिल भी ले सकते हैं, और उस पर इस तरह से लपेटते हुए हमें इसके रोल बनाने हैं। और इसी तरीके से सारी स्ट्रिप के हम पतले पतले रोल बना कर रख लेंगे। और इसी तरह हमने रेड और ब्लू कलर के कार्ड को भी कट कर लिया है, उसकी भी पतली पतली स्ट्रिप काट ली हैं, और उसके भी हमें इसी तरीके से रोल बना लेने हैं। ये देखिए, मैंने रेड कलर के रोल बना लिए हैं और ब्लू कलर के भी रोल बना लिए हैं। देखिए कितने प्यारे ये लग रहे हैं। और उसके बाद ले ली है मैंने ये कुछ ब्रून स्टिक्स। तो इन्हें आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें उतनी क्वांटिटी ले सकते हैं, बड़ा छोटा उसी हिसाब से कर सकते हैं। जिस भी फ्लावर पॉट में आपको लगाना हो उसी हिसाब से इसे लेना है। तो मैंने ये 8x8 के हिसाब से ली है, मैं 3 कलर में बना रही हूँ। तो मैंने 24 ये ली है, और इन पर कर लिया है मैंने ग्रीन कलर का एक्रेलिक पेंट। और इन्हें सूख जाने के बाद में अब हमने लिया है ये रेड कलर के जो रोल बनाए हैं, इनको एक रोल को हम पकड़ेंगे, उसके एक सिरे को इस तरह से फेविकोल लगाकर ऊपर सिरे पे लगाएंगे। उसके बाद में हमें इस तरह रखते हुए दो दो रोल को आपस में आमने सामने रखते हुए फेविकोल से अच्छी तरीके से आपस में चिपका देना है। और इसी तरीके से हमें सारी स्टिक्स तैयार कर लेनी है। बड़े छोटे के हिसाब से ये कम और ज़्यादा लग सकती हैं। और देखिए, मैंने सारी स्टिक्स इस तरीके से तैयार कर ली हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जो मैंने फ्लावर वास बनाए थे, इनमें आपको लगाकर दिखाती हूँ। ये वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप लोगों को पसंद भी आई, उसके लिए धन्यवाद। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।